माय चैनल सिंसियरली सहेली। आज मैं बनाऊंगी चिकन कड़ी विद वेजिटेबल्स। सर्दियों में काफी सारे वेजिटेबल्स आते हैं, कैरेट्स हो गए, बीन्स हो गए, स्प्रिंग अनियंस हो गए, मटर हो गए। इन सारे वेजिटेबल्स के साथ मैं बनाऊंगी एक सिंपल सा चिकन कड़ी। जो आप रेगुलर चिकन कड़ी बनाते हैं उसी में ये सारे वेजिटेबल्स डाल के थोड़ा सा ये हेल्दी भी हो जाएगा और इसके साथ साथ टेस्ट में भी थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। चिकन को यहाँ पे मैंने मैरिनेट किया है हल्दी, दही और नमक के साथ। सब्जी में मैंने लिया है गाजर, बीन्स, हरे मटर और आलू। आलू को ऐसे मोटा मोटा काटना है। इसके साथ हमें चाहिए होगा प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। एक इम्पोर्टेंट चीज, इसमें आप कोई से भी वेजिटेबल अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने वही वेजिटेबल्स डाले जो मेरे पास थे, पर हाँ ध्यान रखिएगा कि गोभी इसमें ना डालें, क्योंकि क्या होता है कि गोभी जो है वो बहुत भारी वेजिटेबल होता है। क्योंकि इसमें चिकन डल रहा है, ऑलरेडी चिकन एक भारी चीज है, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप इसके साथ गोभी डाल देंगे वो भी डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बहुत रिच बन जाएगा ये डिश, जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये डेली डिश है, इसको लाइट ही अच्छा लगता है। ब्रोकोली आप चाहे तो डाल सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ले लेंगे सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए उसमें डाल देंगे जीरा। जीरा को स्प्लटर होने देंगे, फिर उसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। प्याज को जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को ढक के थोड़ा सा पकने देंगे ताकि टमाटर एकदम मैश हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज दोनों अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा और मिर्च पाउडर। मसालों को अच्छे से भूनना है। यहाँ पे मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला नीचे से ना जल जाए। मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि ना उनसे तेल छोड़ने लगे। जैसे ही तेल छूटने लगे उसमें डाल देंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। डिश में कोई खास मसाला पड़ने वाला तो है नहीं। नॉर्मल जो मसाले होते हैं वही जीरा, धनिया, हल्दी, यही सब मसालों से मैं ये डिश बना दूंगी। आप चाहे तो इसमें चिकन मसाला जो रेडीमेड बाजार में मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को अच्छे से पकाएंगे। चिकन अभी अपना पानी छोड़ेगी और उसी पानी में चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा और मसाला भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू, क्योंकि आलू को भी बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चिकन के साथ आलू भी एकदम पक जाएगा, मसालों को एब्जॉर्ब करके बहुत टेस्टी बन जाएगा। चिकन बॉईल हो गया है या नहीं, इसके लिए आप एक सिंपल चीज फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चिकन के साथ आलू डाल रहे हैं तो आलू अगर बॉईल हो जाता है तो इसका मतलब है चिकन भी बॉईल हो गया। आलू को बॉईल होने में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू चिकन, तो मतलब कि आलू बॉईल हो गया है यानी चिकन भी बॉईल हो चुका होगा। यहाँ चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और मसाला भी अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बाकी की सब्जियाँ। इन सब्जियों को पकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा मसालों के साथ मिला देंगे ताकि मसाला सब्जी में अच्छे से मिल जाए। अब सारे मसाले बहुत अच्छे से पक चुका है, तेल भी छूट चुका है। पानी को यहाँ मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। जितने भी मसाले साइड साइड में लगे होंगे उन सारे मसालों को कुरेद कुरेद के ग्रेवी में मिला देना है। इससे ग्रेवी ज्यादा टेस्टी बनेगी और मसाला भी नहीं जलेगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कैप्सिकम जो मैंने काट के रखे थे। अब इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। 10 मिनट टाइम लगेगा इसको पकने में। ये देखिए कितना सुंदर से ग्रेवी पूरी तरीके से बॉईल हो चुका है। ढक्कन को खोल के भी हम इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे। तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ना ग्रेवी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। अब कुछ ही देर में ये बनके तैयार हो जाएगा और इसका एंड में हम डालेंगे एक बंगाली ट्विस्ट। बंगाली हर खाने में, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो,
उसके एंड में उसमें डाला जाता है घी के साथ गरम मसाला, और ये जो डाला जाता है एकदम एंड में, मतलब जस्ट उस खाने गैस को बंद करने से पहले, ये उसमें एक फ्लेवर लाता है। एंड में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए।